गाइस गुड आफ्टरनून, प्रिया सनसेट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं मिल गई हूँ कुछ आपसे 4 या 5 दिन के बाद, क्योंकि मैं ट्यूसडे क्या मंडे से ही ब्लॉग नहीं बना रही, क्योंकि मंडे को बाबू मेरा स्कूल गया था, ट्यूसडे को कुछ उसके साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब तो ना ही वो स्कूल जा रहा है ना ही मैं ब्लॉग वीडियो बना पा रही। तो आज बाबू कुछ ठीक है, क्या ठीक है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबू को हो क्या रहा है, सर्दी खांसी मतलब कुछ नहीं कहे कि एक में एक उसको लगा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी बाबू मेरा सोया हुआ है, तो यहाँ पे बाबू सोया हुआ है। कैसे हो? हाय बोलो। हाय। तो आज 1 हफ्ते बाद बाबू मिला है सबसे। तो बाबू को क्या प्रॉब्लम हुआ मैं आपको बताती हूँ, और मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ कि कैसे हुआ है, मतलब कितना ऐसे जगह हुआ है ना उसको। बाबू मेरा ट्यूसडे के दिन जल गया बेचारा, और इतना मतलब इतनी बुरी तरह से जलाने की क्या बताएं। उसके बाद 2-3 पार्सल आ गए थे, मैं आपको दिखाई नहीं पाई थी ना ही वीडियो बना पाई थी। एक पार्सल तो मैं ये मंगाई थी जो कि अभी इसको देखी मैं, मतलब क्या पता पार्सल अच्छा भी आए ख़राब भी आ जाते, कभी कभी तो वो हो जाता है रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर अच्छा नहीं रहता है ना तो मुझे रिटर्न करने के लिए भी क्या है यार, इसको क्या चुरी, तो रिटर्न भी मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन ठीक ही निकला। चलिए और यहाँ पर देखिए आज पार्सल ही आ गया है। तो मैं सोची जब ये सब पार्सल, 2 पार्सल मेरा कैंसिल हो गया। तो चलिए आपको एक तो देख ही लिए हैं, उसको हम पहनेंगे जब, तो आप देख लीजिएगा। मीशो से ही हम ज़्यादा करके ऑर्डर करते हैं, एक फ्लिपकार्ट है। और आप लोग चलिए वीडियो में बने रहिएगा, आज हम क्या करने वाले, कैसे कैसे क्या होगा वो सब तो आपको दिखाएंगे। अब बाबू कैसे चला क्या हुआ है सब बताएंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस ये रहा टॉप, जैसे कि मैं जीन्स वगैरह पे ना बड़े बड़े थोड़ा टॉप पहनना पसंद करती हूँ, थोड़ा ढीला। तो ये एक मेरे पास ऐसा था, पुराना हो गया है, MIDC में सेम कलर था, मैंने फेंक दिया। और उसके बाद ये कुछ पार्सल क्या आया है वो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, उसको दिखाने के लायक भी नहीं है, कुछ बच्चों का है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ये आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं कॉमेंट करके बताइएगा, मैं अभी पहन के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैं पहन ली हूँ अपने टी शर्ट के ऊपर ही पहन ली हूँ, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, फाइनली कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को भी चाहिएगा इतना चाहिए अगर प्यारा प्यारा सा टी शर्ट, तो आप लोग जाके मीशो से ले लीजिएगा, और बहुत ही कम कम प्राइस में। इस समय मीशो पे सेल चलने वाला है, महा सेल चलने वाला है 1 तारीख से। आप लोग 1 तारीख को जाइए, 1 नवंबर गया ना, दिसंबर से 1 दिसंबर से चलिए शॉपिंग करते हैं मीशो से, हम भी करने वाले भर भर के शॉपिंग, आप लोग भी करिएगा। चलिए पहले ये देखिए कैसा लग रहा है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइनली आया था गांव से पेरू, देखिए पूरा रेड है, मुझे फर्स्ट बार मिला है रेड वाला। फोन आ रहा है, मैं बात कर लेती हूँ उसके बाद आप वीडियो में बात कर रहा मस्ती। सो गाइस फाइनली यहाँ पे आ गए हैं किचन में, किचन में जा रहे हैं अभी खाना बनाने के लिए, और हमें जिम भी जाना है, तो आज हस्बैंड जी भी नहीं है, आज मुझे अकेले ही जाना है। पहले खाना ना एक स्लो कर दो, एकदम एकदम स्लो, एकदम स्लो। तो गाइस बाबू यहाँ पे सो के उठ गया, आज सो गया था जल्दी, और जल्दी सो के उठ भी जल्दी से गया है, तो दवा नहीं खाया ना दोपहर की है। देखिए यहाँ पे कैसे मस्ती कर रहा है बच्चों का, मतलब कि वो लेके टेप वगैरह सब लेके मस्ती कर रहा है। तो अभी चलिए वीडियो में बने रहिएगा, अभी चलते हैं खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद चलते हैं जिम। तो आज हमने 1-2 रील्स भी बनाए हैं जो कि छोड़ दिए हैं। आप लोग कहाँ से मकड़े आ जाते हैं समझ ही नहीं आता, अभी लटके ही है। तो यहाँ पे चल रही है इनकी पढ़ाई हो रही है, बड़ी वाली बेटी को छोड़ के आ गए हैं। अभी ये ऐसे तो पढ़ती नहीं है, जब देखती हैं कि काम है तभी बैठ जाती है पढ़ने, पूरा दोपहर सुबह है ना, ये बात है गलत, तो परसों ही नहीं थी, दोपहर को नहीं सोई थी मैं। उसके बाद ये 4 बजे ट्यूशन गई, ट्यूशन से आने के बाद भी अभी तक 7:30 बज रहा है, अभी तक ये भूख नहीं खाई थी। अभी हमें किचन में जाना है खाने बनाने के लिए, ताकि ये बाबू को देखे कोई, तो ये बैठ गई यहाँ पे, तो दे समझ सकते हैं कैसे कैसे लोग हमारे घर पे। खाने को चाहिए सिर्फ रोटी, बाप बेटी सबको सिर्फ रोटी खाने को चाहिए, दोनों तीनों टाइम, इतना स्टैंडर्ड टाइम लोग के अंदर।
और एक लड़के को नहीं संभाला जाता है, क्या बताएं। तो अभी हम उसको देखें या उसको दवा ववा दें, क्या करें, या खाना बनाएं या जिम जाएं, क्या करें, इसे ही हम पागल हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे रिलेशन में हैं, कुछ लोग ऐसे खास भी लोग ऐसे बोलते रहते, इतना बिजी हो जाती है कि फ़ोन नहीं करती, कॉल नहीं करती, ये है वो है, दुनियादारी बहुत कुछ सुनाते, सुन के ले लेती हूँ भाई। अभी हमारे ऊपर पड़ी है तो हम ही समझ सकते हैं, सब नहीं समझेंगे ना, सबके बच्चे बड़े हो गए हैं और पहले के जैसे बच्चे नहीं है गाइस। आजकल के बच्चे ना पूछो मत, पूरा दिन उनको दे दो ना, पूरा काम छोड़ के पूरा दिन उनके साथ रहो ना, तभी भी उनके लिए कम ही है। तो जिसके घर में बच्चे हैं उसको ही पता चलेगा कि वो कितना बिजी रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मम्मी फ़ोन कर ही लेती हैं, हाल चाल ले लेती हैं, बाकी कोई करे मत न मत करे। हाँ बड़े हो जाएंगे बच्चे तो हम लेंगे हाल चाल, नहीं करेंगे तो भाई। जिसके पास बच्चे नहीं है, कुछ नहीं, काम नहीं है, फिर भी वो इंसान सब लोग बिजी रहते, तो फिर हमारे इतना चार दो दो तीन तीन बच्चे शहर में लेके और सारा बाहर अंदर का सारा काम करके मुझे समय नहीं मिलता। चलो ठीक है, फिर भी हम समय निकाल लेते हैं हफ्ते हफ्ते में। तो चलिए कोई बात नहीं है, जिसको जो सोचना है जो बोलना है बोलने दीजिए, बोल मतलब किसी का मुंह पकड़ नहीं सकते हैं और किसी के बोलने के ऊपर चल भी नहीं सकते हैं ना, है कि नहीं। तो जैसा जैसा समय मिलता है वैसा वैसा आप काम कर लीजिए। और सबको भाई ज़रूरी है, सबको पूछना जाँचना भी, समय मिले तो पूछ भी लीजिए, नहीं मिले तो कोई वो नहीं है। पहले आपने बच्चा देखिए, घर देखिए, फैमिली बनी रहेगी तो सब बने रहते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइस फाइनली आ गए हम जिम करके, यहाँ पे देखिए खाना पे खाना, खाना पे खाना, मशरूम की सब्जी बनाए थे मशरूम जो कि वो खा रही है, मशरूम वो फिश नहीं खाती है। यहाँ पे आ गया है फिश, फिश खरीद भी नहीं आया, किसी के यहाँ से आ गया है मतलब। तो मार इनका देखो, इनका रगड़ा देखो, ये मारते हैं, जब कोई मारता है तो रोते हैं, मारेगी अभी खींच के। यहाँ पे मैडम खा रही है फिश, कैसा है मैडम बताएंगे कैसा है, तो अंकल ही बनाए होंगे तुम्हारे फ्रेंड क्योंकि उनके यहाँ बनता है तो आंटी नहीं बनाती है। तो चलिए चलिए हम बाबू को खाना खिला देते हैं। बाबू देखिए मस्ती कैसे कर रहा है, छोड़ो 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 नहीं, हम अभी पलटा लेके आएंगे, रुको चुपचाप बैठो बैठो चुपचाप। यहाँ पे मैडम मशरूम ही खा रही है खाली, एक रोटी लिए कि दो रोटी पता नहीं। चलो मैं पलटी मारो पलटी मारो, ठीक से बैठो, हाँ खाना खिला दूँ, खाना खिला दूँ, ज़्यादा तीखा है, दूध से खाओगे, दूध गुड़ रोटी खाओगे, हाँ ये क्या होता है, कल खाया था। अच्छा मोटोल फॉच, मोटोल फॉच खाए। सो गाइस तो फाइनली खाना ना खा लिए, खाना ना खा के देखिए अब बिस्तर पे कोई नहीं है, अब बिस्तर हम लोग साफ कर लिए, झाड़ू लिए। ये बाबू ना दिन भर गंदा करता रहता है, जिसके घर में बच्चे होंगे पता चलता हो गया। एक मिनट में यहाँ करके दोनों बच्चे सो गए, देखिए कम्बल ओढ़ के ये कर रहे हैं मस्ती। यहाँ का भी लाइट वाइट बंद कर देते हैं, लाइट बंद करो, चलो बेडरूम में, नहीं बेडरूम में चलो, टीवी बंद करो। किचन का भी साफ सफाई हो गया है सब, और किचन में भी दूध दूध बॉयल हो गया है। बाबू के लिए बॉटल भरेंगे, उसके बाद लेके जा रहे हैं। अभी तक हस्बैंड भी आए नहीं, हस्बैंड भी आएंगे 12:30 बजे। तो चलिए, और अगर हस्बैंड भी आ जाएंगे तो मिलाएंगे, याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में, आप वीडियो में बने रहिएगा, मॉर्निंग में कुछ खास बात आपसे करनी है। गाइस गुड मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में मैं बोली थी कुछ स्पेशल आपको दिखाऊंगी, तो वो हो नहीं पाए क्योंकि रात को ना हस्बैंड जी 2 बजे आए, 2 बजे आए वो भी हम नहीं दिखा पाए, उसके बाद सो गए सब लोग, कहीं कोई नहीं जा पाया। तो चलिए आपको दिखाते हैं, आज सुबह सुबह उठे हैं, लेट उठे भी हैं, नहा धो के यहाँ पे डायरेक्टली चले गए क्योंकि पूजा पाठ नहीं करना था, उसके बाद चले गए हम किचन में, किचन में आए हैं, किचन में हम बना रहे हैं आज पालक के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी है ना वो वाली मैगी मैदे वाली नहीं खाते हैं। चलिए हम कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं कैसे बना रही हूँ वो भी आपको मैं बता देती हूँ अपना। चलिए अब मैंने अदरक लहसुन का सबसे पहले जीरा डाला है तेल गरम करके, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद डाल दिया है कांदा। यार किसी चीज़ को जब प्यार से बनाएंगे ना तो वो अच्छा बनेगा ही। तो चलिए
यहाँ पे ये डाल दिए, यहाँ पे ऑनियन का पिक कर लिए हैं इसका, ये पत्ते वाले, इसको लास्ट में गार्निश करेंगे। चलिए इसमें तो ऑलरेडी सब कुछ है बताया, इसमें मटर रहता तो और मज़ा आ जाता, लेकिन मटर मेरे पास इस समय है नहीं क्योंकि महीना का लास्ट चल रहा है, नहीं तो हम डिमांड से ला के रखते हैं पैकेट वाला, तो अब नहीं लाने का मन करा क्योंकि अब मटर ना फ्रेश आ गए मार्केट में। तो गैस मैं कुछ अलग तरीके से मसाला डालती हूँ, आप देख सकते हैं मसाला मैं इसमें भून देती हूँ। हम लोग पानी वानी डालने के बाद डालते हैं, तो मेरा कुछ बनाने का अलग ही रेसिपी है, आप लोग कमेंट करके एक बार बना के खाइएगा फिर कमेंट करके बताइएगा। भून गया है, मिट्टी मिट्टी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए डाल दिए टमाटर, कितना टमाटर डाल दिए, उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि इसका नमक ना मीडियम होता है। तो गाइस देखिए टमाटर हो गए गल गए हैं और ये हम डाल देंगे ऐसे ही खड़ी करो, इसको हम भूनेंगे तोड़ के। तो गाइस इसके लेवल तक हम भून के डाल देंगे पानी, अब ये पकने देते हैं फास्ट पे छोड़ देते हैं। तो गाइस ये हो गया है, पक गया बढ़िया से, यहाँ पे कर दे रहे हैं गार्निश और हम थोड़ी धनिया पत्ती भी डालेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। तो गैस बन गई है यहाँ पर हमारी पालक वाली मैगी, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस चलते हैं सर्व कर लेते हैं प्लेट। बन गई है 2 कप चाय, मतलब आधा आधा ग्लास चाय बन गई, कप से चाय नहीं चाहिए इन लोग को, भर भर के चाय नहीं सॉरी कॉफी, कॉफी भाग बहुत आया था तो मैं थोड़ा कम कर दिया, और ठंडा होते से कम हो जाता है, बहुत गर्म मैं नहीं दे रही क्योंकि एक लोग तो जल गए हैं घर में। चलिए मैं सुबह सुबह ग्रीन टी पी ली, प्लेट में लगा के इनका और उनका दोनों दिन कर देती हूँ। लोग कॉफी पे लगी हुई है, कॉफी कैसा बना है और मैगी कैसा बना है, एक का नंबर बना है क्योंकि मुझे आज कॉफी मस्त, और बाबू को भी दिखा दे रही, बाबू बोलता मुझे भी दिखाओ मुझे भी दिखाओ। ठीक है नाइस, बोलो ऑल द बेस्ट। ओहो तो चलिए अभी घर का काम पड़ा गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।